मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन स्थित आदर्श कॉलोनी में सुबह आबकारी विभाग और पुलिस ने मिलकर अवैध शराब तैयार करने और बेचने वाले के खिलाफ अभियान चलाया, जिससे शराब माफियों में हड़कंप मच गया। टीम ने आदर्श कॉलोनी पहुंचकर अवैध शराब की 2 दर्जन से अधिक भट्टियों को भी तोड़ दिया। साथ ही 1800 लीटर लहन नष्ट कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अखिलेश कुमार आबकारी इंस्पेक्टर ने बताया कि आदर्श कॉलोनी में पहले भी कई बार आबकारी विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ा जा चुका है। सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा नए सिरे से अवैध शराब बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इस सूचना पर आबकारी इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने आदर्श कॉलोनी में टीम के साथ दबिश दी और इस दौरान लगभग 2 दर्जन घरों में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान शराब की 50 भट्टियों को तोड़कर भारी मात्रा में लहन नष्ट किया गया। यहां एक खाली पड़े स्थान से हरियाणा माल की 2 पेटी अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई और मौके पर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 5 दोपहिया वाहन 300 लीटर कच्ची शराब टीम द्वारा बरामद की गई है। जी, बरामद की तो बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे इस दौरान छापेमारी दौरान आदर्श कॉलोनी वहाँ तो मुरादाबाद में वहाँ 5 गाड़ियाँ बरामद हुई और 2 मुर्गी बरामद हुए हैं और अवैध शराब के साथ, जिसमें कि 3 पेटी के आसपास हरियाणा छुपानी हुई अंग्रेजी शराब बरामद। मतलब लहन 1800 केजी के आसपास हमने मौके पर लगे यहाँ पे। किस किस टीम ने छापेमारी की है? नहीं, अभी तो छापेमारी पूरे आदर्श कॉलोनी भातों में है, जो यहाँ मुरादाबाद का संदिग्ध और संवेदनशील एरिया माना जाता है और यहाँ पे लगभग काफ़ी मात्रा में अवैध शराब बनाई जाती है और निर्माण होते हैं। कितनी शराब नष्ट करी है? शराब नष्ट नहीं की जाती है, शराब को हम लोगों ने अपने कब्जे में लिया है और लगभग उसकी मात्रा 300 लीटर के आसपास। 300 कैसे ड्रम फेंके गए उसमें क्या था? ड्रम में जो हम लोग नष्ट हो जो फेंके गए तो वो लहन, जिसको मौके पर लहन को नष्ट कर दिया जाता है, जिसकी मात्रा 1800 कोई कोई स्मैक की कोई चीज़ है? हाँ, स्मैक पीने वाली एक पाइप मिली है, स्मोकिंग किंग उसके नाम से है, या तो स्मोकिंग का भी यहाँ पे धंधा होता है ऐसा देखने से लगा। तो इसमें स्मोकिंग का जो धंधा हो रहा है कि इसमें सुनने में भी आया कुछ, इसमें कुछ लड़के भी स्मोकिंग कर रहे हैं? नहीं, ये तो मौके से तो कुछ दिखा नहीं, ना कोई बरामद हुआ, ना कोई पकड़ा गया और ना कोई भागते दिखा, लेकिन छापेमारी तलाशी के दौरान वो चीज़ बरामद हुई, उससे लगा है कि मतलब यहाँ पे स्मोकिंग।